फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एकदम मार्केट जैसे साबूदाने के पापड़ की रेसिपी। नवरात्रि आने वाली है तो इन साबूदाने के पापड़ को घर पर बनाइए और नवरात्रि में इनको आराम से खाइए। मार्केट के साबूदाने के पापड़ काफ़ी महंगे पड़ते हैं। अगर हम घर पर बनाएंगे तो ये देखिए आप, एक कप साबूदाने में मैंने इतने सारे पापड़ बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये बहुत अच्छे से फूलते हैं, बहुत ही खस्ता होते हैं खाने में। तो चलिए पापड़ बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सारे अपडेट्स आ सकें। तो यहाँ मैंने एक कप बारीक वाला साबूदाना लिया है जो शक्कर के दाने जैसा आता है, और उसको मैं 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसको ओवरनाइट के लिए या फिर 6-7 घंटे के लिए रख दूंगी सोक करने के लिए। साबूदाने अच्छे से फूल जाएंगे, उसके बाद हम इसके पापड़ बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने 1/2 इंच के करीब पानी डाल दिया है इसमें। तो ये देखिए साबूदाना कितने अच्छे से फूल गया है। ये देखिए सारा पानी सोक कर लिया है। और साबूदाने के पापड़ को हम थोड़ा सा कलरफुल लुक देंगे, तो इसके लिए मैं थोड़े थोड़े साबूदाने कलरफुल कर लूँगी। लेकिन उसके पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून सेंधा नमक। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक की जगह पर नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। बस मिक्स कर दिया मैंने, और हम 2-2, 3-3 टेबलस्पून साबूदाना एक एक प्याली में निकाल लेते हैं। और अब एक प्याली में मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर, एक में ऑरेंज और एक में रेड कलर। आपके पास जो भी कलर हो आप ऐड कर सकते हैं। और बस मिक्स कर देंगे। और एक इस तरह की प्लेट जो किसी कढ़ाई वगैरह पे फिट आ जाए या किसी स्टैनर के ऊपर हम रख सकें, उसको हम ऑयल से थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। जो भी ऑयल आप व्रत में खाते हैं उस ऑयल से आप इसको ग्रीस कर लें या फिर घी से ग्रीस कर लें। और इस तरह से उसके ऊपर एक चूड़ी रखें और इस तरह से थोड़ा सा साबूदाना हम चूड़ी के अंदर डालेंगे। 1/2 चम्मच के बराबर मैंने डाला है। और थोड़ा सा हम कलरफुल साबूदाना इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इवनली स्प्रेड कर देंगे साबूदाने को। और इस तरह से एक बार में थाली में जितने पापड़ बन पाएंगे उतने हम बना लेंगे। तो ये देखिए, थोड़े थोड़े से अलग कलर के साबूदाने स्प्रिंकल करके मैंने इस तरह से पापड़ रेडी कर लिए हैं। और कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए, और कढ़ाई के ऊपर मैं इस तरह से प्लेट रख देती हूँ। अगर आपकी प्लेट छोटी है तो पहले कढ़ाई में स्टैंड रख दें, उसके ऊपर प्लेट रख दें। और इस तरह से दूसरी थाली से हम इसको ढक देंगे या किसी ढक्कन से, और इसको हम 3 से 4 मिनट के बीच में मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, स्टीम होने देंगे। और जब तक कि पापड़ स्टीम हो रहे हैं मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ पापड़ बनाने का। इस तरह से आप किसी डिब्बियों के ढक्कन ले लें या जो भी आपके पास हों स्टील के या प्लास्टिक के, और उनको इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लें। और साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए साबूदाने इसके अंदर डाल दें, जैसे मैंने पहले चूड़ी के अंदर डाले थे बिल्कुल वैसे ही हम ढक्कन के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, और इस तरह से हम सारे ढक्कन तैयार कर लेंगे। और 3 मिनट के आसपास हो चुके हैं तो हम पापड़ चेक कर लेते हैं। सावधानी से उठाएं ताकि जो स्टीम निकले वो आपके हाथों पर ना लगे। तो ये देखिए, पापड़ जब पक जाएंगे तो थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। और ढक्कन को मैंने रखा है एक स्टैंडर में, तो स्टैंडर कढ़ाई से छोटा है तो उसके लिए मैं रख रही हूँ स्टैंड। और इस तरह से मैंने स्टैंडर को रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंडर ना हो इतना बड़ा तो आप प्लेट भी रख सकते हैं। इस तरह से कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इनको भी पकने देंगे। और अभी ये पापड़ ठंडे हो चुके हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं। तो मैं इनको पंखे के नीचे डाल रही हूँ, आप चाहें तो धूप में भी सुखा सकते हैं। एक पॉलीथीन के ऊपर मैंने लगा लिया है हल्का सा ऑयल, और इस तरह से एक स्पैचुला की हेल्प से निकाल लें इनको। ये देखिए बहुत इजीली निकल जाते हैं, और बस डाल देते हैं पॉलीथीन के ऊपर। और अभी हमारे कैप वाले पापड़ भी स्टीम हो चुके हैं,
ढक्कन में से थोड़ी सी स्टीम निकल रही थी, तो मैंने थाली से कवर कर दिया था। तो ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं और हल्का सा ठंडा होने के बाद इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमको कुछ भी नहीं करना है इनको निकालने के लिए, बस इस तरह से ढक्कन को लेके थोड़ा सा ऐसे टैप कर दें। और जब पापड़ आप बनाते जाएं कढ़ाई में, तो पानी का ध्यान रखें, पानी कम होता जाए तो उसमें पानी ज़रूर डालते जाएं। और इसी तरह से सारे पापड़ बना लेंगे। ये देखिए कितने कलरफुल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया पापड़ बनके रेडी हुए हैं। इनको हम सुखा लेंगे। अगर तेज़ धूप हो तो आप थोड़ी देर पंखे में डालने के बाद थोड़ी देर धूप में डाल दें दिन भर के लिए, तो एक दिन में ये अच्छे से सूख कर रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए, पापड़ सूख के रेडी हो चुके हैं। सुबह से शाम तक में एकदम परफेक्ट पापड़ बनके तैयार हैं। अब मैं आपको पापड़ फ्राई करके दिखाती हूँ। ये बिना सोडा के कितने ज़्यादा फूल रहे हैं पापड़। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खस्ता लगेंगे खाने में। आप इनको ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आप चाहें तो इनमें जीरे वगैरह का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। नवरात्रि आने वाली है, पापड़ बना के रख लीजिए घर पे और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए कितना छोटा सा पापड़ फूल के कितना बड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।